आज हम आए हैं नमो ट्रैक्टर्स में धमदा, जो हमारे साथ है भैया। यहाँ पहले भी वीडियो बन चुका है और यहाँ फार्म ट्रैक का डीलरशिप भी है। यहाँ से भैया से जानेंगे कि सेकंड हैंड में ट्रैक्टर्स कौन कौन सा मिलता है और किस प्राइस में मिलता है, कि आखिर यहाँ बेनिफिट क्या है, पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं भैया के थ्रू में। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष ताम्रकार है। पीयूष ताम्रकार। ये एड्रेस और लैंडमार्क बता दीजिए। हमारा ये नमो ट्रैक्टर आपको जो बेमेतरा रोड में गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के ठीक सामने, गवर्नमेंट एक और मैं पता दे देता हूँ, जैसे आप धमदा आ रहे हैं तो स्टेट बैंक से कुछ ही कदम दूर पे है, मतलब अच्छा जस्ट बगल पे आम रोड। अच्छा, और ये आपका शॉप कब से? हमारा शॉप सन 2011 से संचालित है। पूर्व में हम सेकेंड हैंड ट्रैक्टर बेचते थे, विगत 2 वर्षों से हम फार्म ट्रैक के डीलर। अच्छा, इससे पहले हम बीज की डीलरशिप में भी किसानों की सेवा की। अच्छा, प्रेरित कर। और वैसे किसान भाइयों को फार्म ट्रक में लेने से क्या फायदा रहता है? किसान भाइयों को फार्म ट्रैक लेने से पहला सबसे अहम फायदा है कि इसमें हाँ, तेल खपत बहुत कम है। अच्छा, कम तेल खपत है। दूसरा इसमें अहम फायदा है कि इसमें मेंटेनेंस खर्चा भी कम है। अन्य हाँ, ट्रैक्टर की जैसे बात करें अपन, तो उसमें जो आफ्टर सेल जो सर्विस कॉस्ट रहता है वो बहुत, मतलब कस्टमर के लिए महंगा रहता है। अच्छा हमारे जो सामान है, पार्ट्स अच्छा है, वो बहुत किफायती दरों में ओरिजिनल उपलब्ध है। तो वो दो फायदे हैं। तीसरा हाँ, फायदा है कि आपको वारंटी 5 साल मिल जाती है, तो अच्छा, वारंटी पांच साल का कस्टमर वारंटी है। हाँ के लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई आप जो चीज में पैसा डालते हो 5 साल तक तो आपको देखने की अच्छा, जरूरत नहीं और पड़ेगी। यहाँ आपके पास जैसे न्यू में तो फाइनेंस की सुविधा हो गई, हाँ, न्यू में और सेकेंड फाइनेंस, हैंड में? हाँ यूज्ड में भी अपने पास सब कंपनियों के फाइनेंस के साथ टाइप है, और हाँ ज्यादातर बैंक से हम लोग फाइनेंस कराते हैं। किसान को कम से कम ब्याज में हमारी ट्रैक्टर उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता अच्छा, और अभी आपके पास सेकंड हैंड में कौन कौन से ट्रैक्टर्स अवेलेबल है? है। हमारे पास अभी कुल 20 ट्रैक्टर है, अच्छा, 20 ट्रैक्टर्स है। जिसमें हमारा रेंज मेंटेन हो रहा है लगभग 1,60,000 से अच्छा, 1,60,000 से। 5 लाख तक के उसमें सेगमेंट नाम में। ट्रांसफर वगैरह पूरा इंक्लूड रहता है कि अलग से लगता अलग अलग परिस्थिति में देख के किसानों है? से अच्छा बात अच्छा करके तय करते और हैं। आपके पास नांगर ट्रॉली सेकंड हैंड में? मेरे पास थ्रेसर में विजय का थ्रेसर मिलता है, हाँ, ट्रॉली पे आपको मैं वंदना ट्रॉली अच्छा, स्टेज में वंदना अभी ट्रॉली। चल रहा है बात, और हाँ नौकार एग्रो की ट्रॉली है। सब प्रोडक्ट हमारे सब क्वालिटी प्रोडक्ट ही रहते हैं, और किसी भी चीज में शिकायत का मतलब चांस बहुत कम रहता है। मजबूती पे हम विशेष अच्छा, ध्यान देते हैं। सेकेंड हैंड में क्या प्राइस में रहता होगा ट्रॉली का? ट्रॉली सेकेंड हैंड मेरे पास वही एक लाख हाइड्रोलिक और बीस तीस नॉर्मल? हजार नॉर्मल तो चालीस अभी नहीं आ रहा हजार होगा? हाँ 1,20,000 40,000 ऐसा हमारे अच्छा, पास अच्छे से अच्छे कंडीशन से। अच्छे कंडीशन में। 2 चक्के पे भी हमारे पास नई ट्रॉली उपलब्ध है, हाँ 4 चक्के पे भी नई ट्रॉली उपलब्ध है। जो सादी ट्रॉली है उसको हाइड्रोलिक भी बनवाते हैं, अच्छा, हाइड्रोलिक भी बन जाता बनवाते हैं कन्वर्ट करके, है? आप कन्वर्ट, पैसे देंगे तो हम लोग उसको करवाते हैं। अच्छा, करवा देते हैं। थ्रेसर भी हमारे पास एक्सचेंज भी होता है, नया लेने पे लोन की सुविधा भी अच्छा, है, हाँ ट्रॉली पे भी लोन की सुविधा है। और बहुत जल्द आप किसानों की सेवा में हमारा ये नया शोरूम बनने चालू हो जाएगा कल अच्छा, परसों से, और दिवाली के पहले पहले हम हाँ इसको भव्य रूप से एक बार अच्छा, एक बार किसानों के फिर लिए से आप, पूरा रिनोवेट होके नया बन रहा है। अच्छा, और उसमें हमारा मुख्य रूप से किसानों को ट्रैक्टर के साथ साथ उसमें लगने वाले तमाम इंप्लीमेंट को हम उपलब्ध कराएंगे, अच्छा, जो भी तमाम। पार्ट्स वगैरह लगेंगे आप पूरा? हाँ, फाइनेंस की सुविधा के साथ रोटावेटर, थ्रेसर, ट्रॉली, हाँ 2 चक्का ट्रॉली, सीडड्रिल, कैटली, हाँ नांगर, ये सभी चीज पे हम बहुत वृहद रूप से आने वाले 2 महीने में अच्छा किसानों की सेवा में उपलब्ध अच्छा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि नवरात्रि के पहले पहले हम उस हाँ शोरूम को अपना मूल रूप दे दें। अच्छा, तो चलो फिलहाल आप पूरा सेकंड हैंड ट्रैक्टर दिखाते हैं कस्टमर्स को लेट ना करते हुए। ये कौन सा, महिंद्रा का? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरे पास 1,50,000 रुपए से ट्रैक्टर हाँ, है। ये वही है, 2008 मॉडल अच्छा, का आठ ये का मॉडल ट्रैक्टर है। है, हाँ, ओरिजिनल चला ये गाड़ी कौन है, सा है? 275 DI। 275 DI, बहुत सक्सेसफुल है। हाँ और इस गाड़ी में भी इंजन से रिलेटेड किसी को, हाँ किसान को समस्या नहीं आएगी। कितने HP में आता है ये? 39 39 HP। कितना आवर्स चलोगे? अच्छा, 5,000 घंटे के आसपास चल जाएगा। 5,000 घंटे के आसपास। हाँ, लेकिन ये हाँ 1,50,000 की कीमत पे बहुत सही ट्रैक्टर है, मतलब हाँ 1,50,000 रुपए के हिसाब से अच्छा ट्रैक्टर है। तो ये टायर्स वगैरह सामने वाले किस जो लेगा उसको चेंज कराना पड़ेगा आगे का कराना पड़ेगा, आगे का ना? इसका प्राइस मतलब 1,50,000 बताया है, और और आने के बाद कुछ कम ज्यादा है कि फिक्स इसमें है? फिक्स फिक्स है ना?
छोटी गाड़ियों में रेट नहीं करते। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये देख लेते हैं। इसके बाद ये 45 HP का अर्जुन है, अर्जुन है महिंद्रा का अर्जुन, ये भी आपको 2,20,000 का मिल जाएगा। अच्छा 2,20,000, 2010-11 मॉडल है। अच्छा 10-11 मॉडल, कितने एचपी में? 45 HP में। अर्जुन कितना चल हो गए? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बहुत चल गया, फिर भी 4-5 हजार, 2,500 तो चला। अच्छा 2,500-3,000 ठीक गाड़ी मगर। अच्छा बाकी टायर्स वगैरह टायर अच्छे हैं। हाँ एक एक वाला एक कमजोर है बस, बाकी तीनों अच्छे। देख लेते हैं ये हुड तो नया लगा हुआ है क्या? नया हुड नया बेसिक लगा हुआ है। एसेसरीज हमारे यहाँ नया मिलता ही है हुड का। अच्छा और बम्फर वम्फर का भी वेल अप टू डेट बम्फर मिल जाता है। हाँ। इसके बाद देखते हैं प्रीत का 15 मॉडल है, 2015 मॉडल। हाँ टायर वायर पूरे नए हैं। इसका फाइनल कीमत हमारे यहाँ 2,70,000 रुपए, 2,70,000 चारों टायर लगभग। 15 मॉडल कितने एचपी में होगा ये? 39। और कितना चला होगा ये? 1400 घंटे चला, 1400 घंटा। इसका हुड लगा के दिया जाएगा पूरा? हाँ हुड लगा। इसका कंडीशंस देख लेते हैं। ब्रीथ चैलेंज करके आता है 3549। पीछे के दोनों नए, सामने का भी अभी चलेगा ही। मैं कंडीशंस देख ले, कलर वालर तो नहीं हुआ ना अभी? ये वाला नहीं 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 हुआ है, रीपेंट वाली गाड़ियां नहीं है। अच्छा इसी बम्पर का जैसे आप बताए बम्पर वगैरह का होता है। इसके बाद देखते हैं सोनालिका इंटरनेशनल DI 740 की कीमत में, ये भी अच्छा गाड़ी है। अच्छा 2,50,000 की कीमत। मॉडल कौन सा होगा ये? है अपना 15 का, 2015 मॉडल। कितने एचपी में हो गए? 40 एचपी में। ये सब अभी हमारा ऑफ सीजन सेल है, अभी आज तारीख से आने वाले 15 दिन में हमारा एक आयोजन भी है कि अभी जो भी हमारे पास सेकेंड हैंड है उसको हम लोग कम कीमत पे कस्टमर को दे रहे हैं। ऑफ सीजन का है इसलिए सीजन आने पे ये ट्रैक्टर आपको 10-20 हजार रुपए महंगे में ही मिलेगा। अच्छा सीजन में महंगा हो जाएगा? सीजन में क्योंकि अब स्टॉक मिलता नहीं है, शॉर्टेज हो जाता है। इसका कंडीशंस देखते हैं। टायर्स चेंज कराना पड़ेगा? नहीं नहीं कराना पड़ेगा, अब ये पंचर हो गया थोड़ा रेडी हो जाएगा थोड़े देर। अच्छा बाकी हुड वगैरह तो नया लगा हुआ है। इसके बाद ये कौन सी है भैया? ये पावर ट्रैक का है 434 यूरो। ये आपको लगभग वही 2,90,000 के आसपास बैठेगा। 2,90,000 मॉडल क्या बताया? 17 मॉडल है। एचपी कितना होगा? एचपी 37। कितने आवर सेल हो गई ये? चला है करीबन 1600 घंटे। 1600 घंटे। प्राइस क्या है लास्ट फिक्स? एकदम लास्ट फिक्स प्राइस आएगा 290 फिक्स है। हाँ, कुछ 10-5 कर लेंगे। अच्छा, इसका टायर्स वगैरह तो नए हैं। सामने का चेंज कराना पड़ेगा? सामने भी चल जाएगा अभी। इसके बाद देखते हैं ये पावर ट्रैक, ये अपना 439 एकदम 688 घंटे चला है। 688 ओनली। कौन सी मॉडल है ये? 19। अच्छा 19 का मॉडल है। कितने एचपी में आता होगा? 41 एचपी में। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस रखें 450,000। ये सभी जितने ट्रैक्टर्स देखे वो ओनर कौन सा होगा? सब फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर सेकंड होंगे। अच्छा सेकंड होंगे जितने थे, सब फर्स्ट ओनर। इसके इधर से भी कंडीशंस देख लेते हैं। पावर ट्रैक डीजल से ऑयल इंप्रेस ब्रेक के साथ आता नहीं वाला? ऑयल इंप्रेस ब्रेक, यस। इसके बाद सेम पावर ट्रैक है ये वाला? ये 39 HP है। 39 HP। ये कौन सी है पावर ट्रैक? 439। ये भी सेम। कौन सी मॉडल है ये? 2016 का मॉडल है। चला कम है ये एक्चुअल में ये। हाँ। ये जो गाड़ी है ये थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था तो इसके लिए आया था, बाकी बहुत फ्रेश गाड़ी है। तो टायर्स वगैरह तो पूरे नए हैं, पूरे नए। इसका कीमत क्या है? 370,000। ये भी फिक्स कि नेगोशिएट? 10-5 का कुछ हो जाएगा। फूड वगैरह पूरा दिया जाएगा, पूरा लगा के। गाड़ी जो भी आपको दिख रही है वो पूरी रेडी मिलेगी। हाँ। सेकेंड हैंड गाड़ियों में आपको 6 महीने इंजन की वारंटी देंगे। हाँ। जो 1.5-2 लाख वाली गाड़ी है उस पर वारंटी नहीं देंगे। हाँ। जो थोड़ा 3.5-4 लाख का उसमें अपन देंगे। इसके बाद है ये वाली प्रीत। हाँ ये कौन सी मॉडल होगी? वो 19 मॉडल है, 900 घंटे चली है। 900 घंटे। पावर स्टीयरिंग 1428 टायर, 1428 और डबल क्लच रिवर्स पीटी। मॉडल कौन सा बोले? 2019। कितना चला?
890 प्राइस उसका रेट रखे अपन 4,01,000 कुछ कम कर लेंगे 1,000 भी देख के कर लेंगे। इसका कंडीशन देखिए जूम करके बहुत अच्छा है। उस तरफ आ जाइए आप पैसे देख लो थोड़ा ऐसे दिखा दीजिए ऊपर करके इसके ऊपर से ऐसे ले लीजिए बढ़िया गाड़ी है चारों टायर नए और कंपनी से जो लग के आए वही है 900 घंटे में कुछ होता नहीं था। अच्छा इसके बाद कौन से और चलिए मैं आपको एक स्वराज दिखा स्वराज के 744 ये है एफी 2017 का गाड़ी है और लगभग ये फाइनल छूटेगा 375,000 में और न्यू में इसका लगभग मेरे जानकारी में बता जहाँ तक है वो 740,000 के लगभग का गाड़ी होगा। अच्छा। 740 कितने एचपी में आता होगा ये 48 HP में आता है 14.9 का टायर है और ओरिजिनल चली हुई गाड़ी है किसान के हाथ की गाड़ी है अभी तक के देखना पड़ेगा 1424 घंटे चला हुआ है टायर्स वगैरह चेंज कराना नहीं पड़ेगा नहीं अभी तो नहीं लगेगा वर्तमान में और नाम ट्रांसफर वगैरह आप करवा के देते हैं यहाँ से जैसे हाँ हम चार्ज पे हम लोग करा देते हैं करा ऐसे आपको अन्य गाड़ियों का भी नाम ट्रांसफर कराना होगा तो हमारे पास सुविधा है नाम ट्रांसफर भी कराते हैं इंश्योरेंस भी कराते हैं और आपके पास कौन कौन सा है कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा अभी और कौन कौन सा है ट्रैक्टर बाकी तो कुछ यार्ड में खड़े हुए हैं ऐसे तो बहुत सारे ट्रैक्टर हैं लेकिन ये विशेष रूप से जो अपने को अभी सेल पे निकालना है वो यही ट्रैक्टर यही पे है 45 और इसका रेट अपन रखे हैं 340,000 और इसका कितना चला होगा सर ये लगभग चला है 1100-1200 घंटे 1100-1200 मॉडल कौन बताया था ये ओरिजिनल टायर लगा हुआ है सर इसका जो ओरिजिनल टायर किसान ने जब खरीदा था नया तब का जो लगा है वही मॉडल क्या बताया मॉडल 2015 मॉडल है प्राइस में नेगोशिएबल है कि फिक्स है थोड़ा बहुत हो जाएगा सर थोड़ा बहुत हो जाएगा बाकी हुड वुड पूरा पहले से ही लगा हुआ है जी स्टार्ट करते हैं सर ये कौन सी ये 4485 मॉडल है आइसर का इसका 2018 का मॉडल है 2018 ये डेंटिंग वेंटिंग अभी कुछ नहीं हुआ है नहीं हम लोग क्या डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ ये जो बम्पर बम्पर वम्पर पे करते हैं बाकी बॉडी पे नहीं ये 1400 घंटे चला हुआ है इसका फाइनल प्राइस रखा है 385 का अलग से कस्टमर को देना पड़ता है नए का लगभग इसका आज नए का रेट होगा 685 का 3,00,000 किसान का कम ये देखिए इनका कोई कलर वाला नहीं है जो ओरिजिनल कलर आइसर कंपनी से होकर आता है दिलवा से वही है बाकी टायर्स वगैरह कोई आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा टायर्स चेंज कराना ही नहीं पड़ेगा और इसका मैक्सिमम आपको ऑन होगा क्या भैया मीटर हाँ पावर स्टीयरिंग में ना ये तो मीटर ऑन है और ये 1428 टायर पे है 1428 बड़े टायर पे 45 HP एयर कूल्ड इंजन है ये वाटर पानी वानी का जरूरत नहीं पड़ता नई बैटरी लगी हुई है इनपुट लगा हुआ है कलर पूरा ओरिजिनल है कहीं कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी ओरिजिनल चली हुई है बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी आइए पीछे का भी बैक देख लेते हैं मैंने आपको लगभग 10-12 ट्रैक्टर्स दिखाए भैया के माध्यम से जिसमें स्वराज हो गया प्रीत हो गया सोनालिका हो गया फार्म ट्रक हो गया महिंद्रा हो गया ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर और 1.5 लाख से दिखाए तो आप पूरा अच्छे से देख लेना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और ऊपर देख रहे हैं आप नमो ट्रैक्टर्स धमदा करके शॉप का नाम है या सभी कंपनी का ट्रैक्टर और सीजन में भी कम से कम में भी ट्रैक्टर्स अवेलेबल होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरा आईडी नंबर है चित्राम 1 2 3 4 5 तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय।